अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। रसूल की प्यारी सुन्नत से हक महर 11,000 रुपए तय पाया गया है। इसके एवज में आपके निकाह में शाकिर खान वल्द उस्मान खान को दिया गया है। क्या आपको निकाह कबूल है? क्या आपको निकाह कबूल है? क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है। मुबारक हो अप्पी। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो।
अल्लाह तुम दोनों को बुरी नजर से बचाए रखे। अब बिस्मिल्लाह कहकर अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाओ। बिस्मिल्लाह। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। जी शुक्रिया। ये गुलाब का फूल हमारी गुलाब सी बेगम के लिए, क्या आप हमारे साथ खुश हैं? जी हाँ बिल्कुल। लीजिए ना, आप भी खाइए। अमीन आप और लेंगी? हाँ बेटा क्यों नहीं, लेकिन पहले ये है तुम्हारा शगुन। अम्मी इसकी क्या जरूरत है? अरे भाई तुमने पहली बार सेवई बनाई है, इतनी लजीज बनाई है। शुक्रिया अम्मी। और ये मेरी तरफ से भी, खाना वाकई बहुत अच्छा है। भाई जान आप भी। अरे ले लो, जेठ जी हैं तुम्हारे। शुक्रिया। अमीन आप बैठिए ना, मैं देखती हूँ। नहीं मैं देखती हूँ, तुम बैठो। पुलिस। पुलिस क्यों आई है? अरे वो ऐसे तुम अंदर से शक्कर लेकर आओ ना। हाँ मैं लेके आती हूँ। जी नहीं, यहाँ पर तो मैं और मेरा बेटा रिहान और शकीर रहते हैं। आप लोग मेरे साथ आइए, मैं बात करती हूँ आपसे। आप आइए, चलिए मेरे साथ। अरे चलिए ना। ये इमरान भाई कहाँ चले गए? अरे वो कुछ काम से बाहर गए हैं। तुम शक्कर ले आओ। हाँ ये लीजिए। अम्मी पुलिस क्यों आई थी? बेटा वो किसी इमरान के बारे में पूछ रहे थे। वो क्या है ना, मोहल्ले में बहुत सारे इमरान हैं, और कोई कुछ भी गलत करे ना तो मेरे बेटे का ही नाम आ जाता है। खैर ये सब छोड़ो, अब तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। अरे अम्मी नहीं। अरे बैठो तो सही। ये किताबें तुम लाई हो? जी हाँ, आपको तो पता है कि हमारा MBA का ये लास्ट ईयर है, तो सोचा अपने साथ ही ले जाएं ताकि हमारी पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम्हारे घर की बहू बेटियां बाजार में जाके बिजनेस करती होंगी, लेकिन मेरे खानदान में ये सब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? जब हमारे पैगंबर साहब ने अपनी बीवी हजरत खतीजा को बिजनेस करने से नहीं रोका तो आप क्यों रोक रहे हैं? अपने शौहर के साथ जुबान लड़ाती है, अब मैं भी देखता हूँ तू MBA कैसे करती है। अब तो अरे तो ये क्या कर रहे हैं आप? ये हमारी किताबें। अम्मी अम्मी देखिए ना इनको, हमारी किताबें मत फाड़िए प्लीज, मैं आपको अल्लाह का आवाज सब। देखिए हमारी किताबें मत फाड़िए प्लीज। अम्मी अब ये किताबें तो मत फाड़िए कम से कम आप। अम्मी देखिए ना ये क्या कर रहे हैं लोग। अम्मी देखिए ना। Thank you.
देखिए ना अम्मी, हमारी सारी किताबें फाड़ दी। मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, तू फिक्र मत कर, मैं उससे बात करती हूँ। हेलो। हेलो, आदाब अप्पी। आदाब, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैंने आपको सुबह सुबह फोन करके डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, हम तो बहुत टाइम के उठे हुए हैं। वैसे अप्पी, ससुराल में कैसा लग रहा है आपको? वो मैं बस तुमसे कुछ बताना चाह रही थी, वो हम तुम्हें ये बोल रहे। अप्पी, अप्पी आप ठीक है? हेलो अप्पी, अप्पी ये क्या आवाज थी? हेलो अप्पी, आप ठीक है? अच्छा, हम तो मैं शाम तक फोन करते हैं। हेलो अप्पी, तू बैठ जा, आ जाएगी वो, मैं चाय बना देती हूँ। क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं? कहाँ गई थी? बुक ठीक कराने गए थे। किसकी इजाजत से? वो मेरी इजाजत से, मुझसे पूछ कर गई थी वो। मगर भाईजान, बिना बुरके के? और तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि हमारे मजहब में औरतों को पर्दा करने का हुक्म है। जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि जिस तरह हम औरतों को पर्दा करने का हुक्म है, ठीक उसी तरह आप मर्दों को भी, कि जब आप घर से बाहर निकलें तो अपनी नजरें झुका कर निकलें, ताकि किसी की बहू और बेटी पर आपकी निगाहें ना पड़े। तुम मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? हम और भाईजान, ये आपकी आंखों में धूल झोंक कर अपने आशिक से मिलने गई थी। या अल्लाह, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप अपनी बीवी पर शक कर रहे हैं? थोड़ा तो खुदा का खौफ रखिए। मुझे तो खुदा का खौफ है, लेकिन तुझे अपने शौहर का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। मुझे ऐसी बदकार और नाफरमान बीवी नहीं चाहिए। अब तो इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकती, निकल यहां से। अम्मी, देखिए ना क्या कर रहे हैं। क्या कर रहा है? छोड़ बहू को। नहीं छोड़। हम जीते जी इतना बड़ा इल्जाम अपने सर पर लेकर इस घर से नहीं जा सकते। जीते जी नहीं जाएगी तो मरने के बाद जाएगी। शाकिर, 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 शाकिर छोड़ दे। शाकिर क्या कर रहा है? शाकिर छोड़ दे उसे। छोड़ दे इसे। शाकिर छोड़। शाकिर छोड़ दे उसे। हर चीज की एक हद होती है। मैं मार दूंगा इस तवायफ को आज। तूने अपने शोहर पे हाथ उठाया, अब इस घर में तू एक पल भी नहीं रुक सकती। निकल इस घर से। चाकिर, अम्मी, चाकिर बेटा, अम्मी, छोड़ दे इसे। अम्मी, जो इसने आज गुनाह किया है उसके लिए मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकता, और आज इसी वक्त पूरे होश आवाज में मैं इसे तलाक देता हूँ। अल्लाह के लिए आगे कुछ मत बोलना। तलाक, तलाक, तलाक।
आप लोग जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। शाकिर ने गुस्से में आकर ये सब कुछ कह दिया। गुस्सा शांत होने पर इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। शबाना बहन, उसने जो गलती करी है उसका कोई हल नहीं है। शाकिर ने हमारी बेटी को 3 तलाक दी है। तलाक के बाद तो नसीमा को उस घर में रहने का कोई भी हक नहीं है। भाई साहब, एक रास्ता है, हलाला। नसीमा हलाला कर वापस शाकिर से निकाह कर सकती है। ये घर का मसला है, घर में ही हल हो जाएगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं पड़ेगी। आप कहना क्या चाहती हैं? मतलब नसीमा का हलाला हम इमरान से कर देते हैं। फिर इमरान नसीमा को तलाक दे देगा, उसके बाद नसीमा फिर से शाकिर से निकाह कर ले। ये कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग? नहीं अम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने नसीमा को हमेशा छोटी बावज की तरह देखा है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। इमरान, हमें समझने की कोशिश करो, इसके अलावा हमारे पास में और कोई रास्ता ही नहीं है। सोचो, नसीमा का निकाह हमने किसी और मर्द से करवा दिया और कल को उसने तलाक नहीं दिया तो उसके बाद क्या होगा? नहीं, मैं ये हरगिज नहीं कर सकती। ऐसा इंसाफ है, गुनाह कोई और करे और जहन्नुम की आग में कोई और चले। अम्मी आप ही बताएं कि हम ऐसे शख्स से कैसे निकाह कर सकते हैं जिसे हम अपने बड़े भाई की तरह मान रहे हैं। हम उनसे तो क्या, किसी से भी हलाला नहीं कर सकते। तुम तो अपनी जिंदगी तन्हाई के सारे जी लोगी, लेकिन फिजा वो किसके सारे जिएगी? और उसकी आंखों ने जो दुल्हन बनने के सपने देखे, वो बूढ़े होके उसकी आंखों में दफन हो जाएंगे। कुछ फैसले अपने लिए नहीं, अपनों के लिए किए जाते हैं बेटी। आपके निकाह में इमरान खान बल उस्मान खान को दिया गया है, क्या आपको निकाह कबूल है? क्या आपको निकाह कबूल है? क्या आपको निकाह कबूल है? मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, क्या आपको निकाह कबूल है? तुम तो अपनी जिंदगी तन्हाई के सारे जी लोगी, लेकिन पिज़्ज़ा और उसकी आंखों ने जो दुल्हन बनने के सपने देखे, वो बूढ़े होके उसकी आंखों में दफन हो जाएंगे। कबूल है। अस्सलाम वालेकुम। शराब पी है? देखिए, आपको हमें इस हालत में अपने करीब नहीं आने दे सकते। हमारे मजहब में बीवी शौहर की खेती है, इसलिए मैं जब चाहे जो चाहे तेरे साथ कर सकता हूँ। देखिए, आप जो कह रहे हैं उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है। बीवी को खेती कहा गया है, लेकिन जिस तरह आप अपनी खेती की देखभाल करते हैं, उसमें बीज बोने के बाद उसको खाद देते हैं, पानी देते हैं, रात दिन उसकी हिफाजत में खड़े रहते, उसी तरह अपनी बीवी की भी हिफाजत करें, उसका ध्यान रखें। मुझे भाषण देती है? Thank you.
वालेकुम। कम से कम बता तो देते कि घर बदल लिया है। कितनी मुश्किल हुई है घर ढूंढने में। आप कौन हैं? मेरी बीवी है। क्या इमरान भाई, आप मेरी जेठानी ले आए और मुझे बताया तक नहीं। जेबा बेटा, तुम अंदर कमरे में चलो, अंदर चल के बात करते हैं ना। अम्मी लेकिन। अरे तुम अंदर तो चलो, और सब खैरियत तो है अम्मी, लेकिन। और खाला जान कैसी सब है? सब खैरियत तो है ना। अरे तुम अंदर चलो तो सही। ये हमें जेठानी क्यों बोल रही है? तो ये शाकिर की बीवी है। इतना बड़ा धोखा। शाकिर अगर शादीशुदा थे तो उन्होंने ये बात हमसे क्यों छुपाई? तुम बताओ कि आपा कैसी हैं? सब ठीक है अम्मी, लेकिन भाभी इस तरह रो क्यों रही हैं? रो नहीं रही है, वो मियां बीबी का आपस का मसला है। तुम फिक्र मत करो, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं बात करती हूँ, ठीक है? हमसे निकाह क्यों किया फिर? ताकि मेरा निकाह तुमसे हो। अल्लाह, नहीं, हम इस झूठे निकाह को नहीं मानते। अब हम इस घर में एक पल और नहीं रुक सकते। हाथ छोड़िए हमारा, हमने कहा हाथ छोड़िए हमारा। अरे कोई रोको उसे, जा। कहाँ भाग रही थी? हाँ, अगर इस घर से एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अब से इमरान भाई तेरे शौहर हैं, क्या समझी? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। इतना बड़ा धोखा हमारे साथ, अब अपनी जिंदगी इस जाहिल शराबी के साथ खराब नहीं कर सकते। हम सबको बताएंगे कि कैसे आप सब लोगों ने मिलकर हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। छोड़ो, अब तो सारी जिंदगी इसी जाहिल और शराबी के साथ ही गुजारनी पड़ेगी, समझी ना? नहीं, चल। नहीं, छोड़ो। मुझसे भाग कर जाएगी है? अब यही सर सारी जिंदगी। बेटा नाश्ता तैयार है, तुम दोनों आ जाओ। हाँ मीजान, आते हैं। ये लीजिए आपकी पसंदीदा चाय। क्या बात है, तुम्हारे हाथों की चाय। लगता है इतने दिनों में तुम चाय बनाना भूल गई। क्यों, क्या हुआ? कर कम है, चाहो शक्कर लेकर आओ। अच्छा जान, अभी लाती हूँ। यही सही मौका है, हम जाकर जेबा को सब कुछ सच सच बता देते हैं कि शाकिर ने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। अच्छा होता मैं कि जेठानी जैसे भी मिल लेती। अरे बेटा वो नहाने गई है, फिर आकर नमाज पढ़ेगी, उसे देर हो जाएगी। अगली बार आओ तब मिल लेना। अच्छा अम्मी, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। अब जल्दी चलो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। चलती हूँ। पहुँचते ही फोन कर देना।
अरे अस्सलाम वालेकुम दूल्हे भाई। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ चल दिए सुबह सुबह? बस इन्हें छोड़कर ऑफिस जा रहा था। अच्छा। अब अम्मी जान फिजा आई है, जरा इनकी खातिरदारी कीजिए। ये तो मेरी फिजा की आवाज है। अच्छा फिजा, ऑफिस के बाद मिलता हूँ। हाँ खाला, कैसी हैं आप? हम बिल्कुल ठीक है। जब तक तेरी बहन यहाँ पर है तब तक तू यहीं कैद रहेगी, समझी? देखिए आप हमें हमारी बहन से मिलने से रोक नहीं सकते। अपना मुंह बंद रख वरना तू ही मरेगी और तेरी बहन भी, समझी? हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, तुम्हारी अपी है ना, तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। नसीमा अपी? वो यूनिवर्सिटी गई है, कहकर गई है शाम को देर से लौटेगी। अच्छा, मैं उनको फोन भी लगाती रहती हूँ लेकिन उनका फोन लगता ही नहीं है। उनका फोन खराब हो गया है क्या? वो तो शादी के दूसरे दिन ही कहीं खो गया था, लगता है शादी की हलचल में किसी ने चुरा लिया होगा। तुम्हारे दूल्हे भाई है ना, वो उसे जल्दी ही दूसरा मोबाइल लेकर दे देंगे। वैसे दूल्हे भाई से याद आया, वो औरत कौन थी उनके साथ? वो मेरी भतीजी थी और मुझसे मिलने आई थी। शाकिर गया है उसे छोड़ने के लिए। अच्छा मैं बाजार ही जा रही हूँ, चलो तुम भी मेरे साथ। चलो मैं जा ही रही हूँ तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, चलो। अरे मैं बाजार ही जा रही हूँ, जाते समय तुम्हें छोड़ देती हूँ। पता नहीं वो लोग क्या कर रहे होंगे हमारी बहन के साथ। खामोश नहीं रह सकती थी, अपने साथ साथ अपनी बहन को भी मरवा रही है। तुमने अब भुगत उसे भी मारा है। नहीं नहीं, मेरे फिजा को कुछ मत करना, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। हमारे फिजा को कुछ मत करिए, उसने कोई गलती थोड़ी की, हमने गलती की है ना। चुप चुप। जा रही डॉक्टर, हाँ चल चुपचाप अंदर।
तमाचा अगर हमने उसी दिन मार दिया होता ना, तो आज ये नौबत नहीं आती। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि ज़ेबा ने हमारी बात सुनी, हमारी मदद की। ये तुमने अच्छा नहीं किया। और तुमने जो धोखा मेरे और नसीमा के साथ किया, क्या वो अच्छा था? तुम्हारे उस कातिल भाई को कोई अपनी लड़की नहीं दे रहा था, इसलिए तुमने नसीमा के साथ धोखा कर पहले उससे निकाह किया और फिर तलाक देके हलाला के नाम पर अपने शराबी भाई से इसका निकाह करवा दिया। अरे तुम्हें तो मैं क्या, खुदा भी माफ नहीं कर सकता और ना ही इस मुल्क का कानून। डॉक्टर साहब ले चलिए इसको। काजी साहब, मैं इस अदालत से शाकिर और इमरान के लिए एक ऐसी सजा चाहती हूँ जिसका हश्र देखकर कोई भी मर्द किसी भी औरत को धोखा देने से 10 बार सोचे। काजी साहब, आप तो हाफिज़ कुरान हैं। कुरान में वो लिखी हर बात खुदा का एक ऐसा फरमान है जिसे कोई भी मोमिन झुटला नहीं सकता। बेशक पूछिए, आप इस शरीयत कोर्ट से किस सवाल का जवाब चाहती हैं? क्या इस्लाम में धोखा देना जायज़ है? काजी साहब, निकाह की पहली शर्त यही है कि औरत और मर्द एक साथ जिंदगी गुजारने का इरादा रखें, ना कि निकाह के बाद तलाक का। काजी साहब, शाकिर ने भी इसी नियत के साथ हमारे साथ निकाह किया और हमारी खुशनुमा जिंदगी को जहन्नुम बनाकर रख दिया। हमारे ख्वाबों को अपने जुल्म और सितम से मिसल कर रख दिया। हम पूछते हैं कि एक लड़की की जिंदगी को बर्बाद करने का इनको यह हक किसने दिया? जब औरतों को बराबरी का हक है तो ये लोग हमसे हमारा ये हक क्यों छीनना चाहते हैं? जब औरत अपने हक की बात करती है तो ये लोग अपना हाथ उठाकर उस पर अपने तरह तरह के जुल्म करके उसकी आवाज को दबाना चाहते हैं। आखिर क्यों? कब तक हमें ये सब कुछ सहना पड़ेगा? आखिर कब तक शरीयत का खौफ दिखाकर हमारे पैरों में बेड़ियां बांधकर हमें चार दीवारी के अंदर बंद करके रखेंगे? मैं पूछती हूँ, कब तक? मैं उस इंसान को अपना शोहर तस्लीम नहीं कर सकती जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया हो, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी हो। काजी साहब, मैं इसी वक्त इमरान से खुला चाहती हूँ। शरीयत की अदालत आपके साथ हमदर्दी रखते हुए आपके खुला को कबूल करके इमरान के निकाह से आपको आजाद करती है। शुक्रिया काजी साहब, इन्हें तो अब कानूनी सजा देगा। चलो। नसीमा ने जिस हिम्मत से शरीयत कोर्ट में आवाज उठाकर खुला जैसे अपने अधिकार का इस्तेमाल कर इमरान से आजादी हासिल करते हुए शबाना और उसके दोनों बेटों को जेल भेजने में कानून की मदद की, वो काबिले तारीफ है। शरीयत के साथ साथ हमारे देश के कानून में भी हर स्त्री को सम्मान
और उनकी सुरक्षा की बात कही गई है, लेकिन ये सब कुछ तभी संभव होगा जब आप नसीमा जैसा हौसला और हिम्मत दिखाते हुए अपने ऊपर हो रहे हर जुर्म के खिलाफ आवाज उठाए। आपकी आवाज गुनेगारों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। अपनी खामोशी को गुनेगारों की ताकत ना बनने दीजिए। आवाज उठाइए, डर कर नहीं डट कर जुर्म का सामना कीजिए। इसी में हर स्त्री का सम्मान है और इसी में हम सबकी जीत है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक भी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।